स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूँ अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति संगठन ने एक युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाकर की जमकर पिटाई। बिरसा क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर की घटना, पीड़ित परिवार ने की पुलिस प्रशासन से शिकायत। कोतवाली पुलिस ने निकाला शातिर अपराधी का जुलूस, जनता के मन से इस अपराधी का डर खत्म करने उठाया कदम। समारोह पूर्वक मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। अशोक शिवहरे बने कोसमी के कार्यवाहक सरपंच। राजीव गांधी सागर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण की अधिग्रहित भूमि स्वामियों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा। भूमि शामिल शरीक की उपस्थिति न होने से मुआवजा देने में आ रही दिक्कतें। नोटिस दिए जाने के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। भारतीय जैन संगठन के नेतृत्व में स्कूली छात्रों को दिया गया 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण। युवती सक्षमीकरण को लेकर प्रशिक्षकों ने किया प्रशिक्षित। और रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का आनंद महोत्सव स्थापित कर रहा नए कीर्तिमान। मेले में उमड़ रहा जन सैलाब, सांस्कृतिक कार्यक्रम बने प्रमुख आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। नशा मुक्ति संगठन के दबंगों द्वारा एक दलित परिवार की पिटाई किए जाने और परिवार के मुखिया को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला बीती रात बिरसा क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर का है, जिसकी जांच साले टेकरी चौकी प्रभारी केसी प्रधान द्वारा की जा रही है। मेरे को नशा मुक्ति वाले गांव वाले पहले मेरे को छोड़ दिए, दुआ ताश खेलता कहकर छोड़ दिए। उसके बारे में एक बार दारू पीता कहकर पैसे लिए तो 2500 रुपये मैंने उनको 2500 दंड दे चुका। उसके बाद में ताश खेला कहते हैं ऐसा कहकर मेरे को 2500 रुपये और मेरे को जुर्माना मांगे, तो मैंने नहीं दिया पैसे, तो मेरे को गांव से बहिष्कार कर दिए। तो उनका मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखा, तो रिकॉर्डिंग करके रख लिया था तो और रिपोर्ट किया मैंने, तो केसीट बनाकर मैं साली टेकरी चौकी में भी दे चुका हूँ। वो केसीट को बनाकर ट्रैकिंग वाली को, तो उसको रिपोर्ट किया है, उसको तो वापस ले। में सुनील कौशले, सोन सिंह जामरे, राम प्रसाद जामरे, नहीं मुनस कांवरे और चंद कंचन गिरी, शैल गिरी और उसका नाम क्या है भाई, लगभग गीता गिरी, कितने लोग रहे वो गांव भर के पूरे मिलकर मेरे को नहीं, वो मिलकर मेरे को दुकान से बाहर निकाल कर मारे। मारने के बाद पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए, कपड़े बांध कर ऐसे बांध कर रस्सी में गांव भर गली गली मेरे को घुमाए, जूते चप्पल से पूरे लोग मारे हैं। अभी भी इतने तक मारे, कई जगह जूते चप्पल डंडे से लाते से पूरे गाँव भर के मारे। मेरे को होश नहीं था, मेरे को जब वहाँ ले गए बिरसा में तब मेरे को होश आया, तो मेरे को पकड़ के वहाँ ले गए थाने में और बोले कि तू ये कैसा कह के जबरदस्ती मेरे लाकर चौकी डॉक्टर मुलाजा करवाए और मेरी रिपोर्ट बोला आवेदन दे दिया बिरसा में, डॉक्टर मुलाजा होगा यहाँ तेरे कोई इलाज पानी नहीं होता, हो गया तेरा काम नहीं होता यहाँ कुछ, ऐसा करके मेरे को वापस भेजा दिए, तो मैं यहाँ पहुँचने वाला। अच्छा, ये जो गांव वालों ने मारे हैं आपको, गाँव भर घुमाया, तो क्या कह के घुमाया इसने, क्यों घुमाया इन्हें? ये वो शिकायत जो रिपोर्ट किया है उसको वापस ले, केसीट बनाए उसको वापस ले। कौन सी शिकायत किए थे आपने इन लोग की? ये मेरे को मारपीट करते हैं, ताजुआ खेलता है, ऐसा कहकर ढेर चमार मारपीट करते हैं, नाश्ता पानी जो खाते हैं उसको नीच जातिया मत खाओ पियो कहकर। तुम्हारी दुकान है? हाँ जी। काय की दुकान है? पान ठेला है, चाय पानी बेचता हूँ, चाय नाश्ता बेचता हूँ, ट्यूब टायर भी लगाता हूँ, साइकिल वाइकल पंचर वंचर का सब वहाँ पड़ा है। समासे बस कर दिए? हाँ, समासे गांव से पूरा। कितने दिन? 2 तारीख से जी, 2 तारीख। बालाघाट नगर में अवैध वसूली के चलते जहां बुधवार की शाम एक जिला बदर युवक ने एक अन्य युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया, वहीं गुरुवार को पुलिस ने एक शातिर अपराधी का जुलूस निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के एक शातिर अपराधी योगेश भंगी, जिसे जिला बदर किया जा चुका है, फिर भी वह नगर में ही दिखाई देता है। इस शातिर अपराधी योगेश भंगी ने सरेखा बाईपास में एक युवक मोनू बोपचे से दूसरे शातिर अपराधी दुर्गेश उर्फ दुर्गी ठाकुर का पता पूछा और नहीं बताने पर शराब पीने 500 रुपए मांगे। पता नहीं बताने और रुपए नहीं देने पर उसने मोनू को चाकू मारकर घायल कर फरार हो गया। इस रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस फरार योगेश भंगी को तलाश कर रही है।
इधर कोतवाली पुलिस एक और शातिर आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गी ठाकुर पर नजर रखे हुए है। गुरुवार को पुलिस को जानकारी मिली है कि दुर्गी ठाकुर भटेरा चौकी में लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली कर रहा है। इस पर पुलिस भटेरा चौकी पहुंची और शातिर अपराधी दुर्गी ठाकुर को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। कोतवाली पुलिस ने लोगों के मन से इस अपराधी का डर खत्म करने भटेरा चौकी में ही इस युवक का जुलूस निकाला, फिर उसे अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया है। अभी करीबन एक माह पहले रेलवे कर्मचारी के साथ इसने मारपीट की थी, जिसमें 353 का मुकदमा इसके विरुद्ध कायम है थाने में। उसके बाद जो है अर्जुन सू हाउस नॉवल्टी हाउस में उसको भी फोन पर जो है धमकाया था जूते वगैरह देने के लिए, और इसके विरुद्ध जिला उधर की भी कार्रवाई हमारे यहाँ चल रही है, जिसका जहाँ आतंक है उस जगह इसका जुलूस निकाला गया है कि लोगों में इसका खौफ खत्म हो, तो पुलिस की कार्रवाई आज की रहेगी। सर, इससे पहले भी इतने आपराधिक मामले बने हुए थे? इसके विरुद्ध ये थाना क्षेत्र का लिस्टेड निगरानी बदमाश है, और इसके विरुद्ध अभी दो मुकदमे अभी प्रेजेंट में इसके कायम हुए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस 28 दिसंबर को पार्टी के जिला कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। यहां कांग्रेसियों ने केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहीम खान ने कहा कि आगामी समय में होने वाले चुनाव में सभी को एक होकर मजबूती के साथ कार्य करना है, जिससे निश्चित ही जीत हासिल होगी। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्महोता ने कहा कि आगामी चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, सभी को पूरी शिद्दत से कार्य करना है। अगर कोई विभीषण भी हो तो उसे भी साथ में लेते हुए वर्ष 2018 में चुनाव में फतह करना है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी जुगल शर्मा ने इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, उसे मजबूत करने हम सभी योगदान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसी तरह युवा कांग्रेस ने भी 28 दिसंबर की शाम हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। वारासिवनी में भी 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने पर हमें गर्व है। इस पार्टी ने ही देश को आजादी दिलाकर देश का सर्वांगीण विकास किया है, जिससे भारत विकासशील देशों में सबसे आगे है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोजेश्वर पटले ने कहा कि इस देश में सत्ता पर काबिज भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा और सबूत नहीं है जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया होगा, सिर्फ इस देश को लूट खसोट करने का कार्य किया है। लालबर्रा में भी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। यहां स्थापना दिवस कार्यक्रम राष्ट्रगान से शुरू किया गया और नारों के साथ समापन किया गया। यहां उपस्थित सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। इस अवसर पर सोसाइटी अध्यक्ष अनिल शर्मा सहित अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। खैरलांजा क्षेत्र के ग्राम घोटी निवासी एक 60 वर्षीय व्यक्ति संपत लिल्हारे की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह व्यक्ति मवेशी लेकर नदी तरफ गया था, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच गगन नकपुरे को धारा 40 के तहत पद से हटा दिया गया था। इस पर गुरुवार को वहां के कार्यवाहक सरपंच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। जनपद पंचायत के समन्वयक अधिकारी नीलकंठ बिसेन इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। यहां उप सरपंच अशोक को कार्यवाहक सरपंच के रूप में चुना गया। गुरुवार को कार्यवाहक सरपंच के चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिस पर मतदान कराया गया। इसमें अशोक सिहौरे को 11, त्रिलोक बम्बोरे को 7 और संतोष डहारे को 1 मत प्राप्त हुआ। नीलकंठ बिसेन ग्राम पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत बालाहाट से मुझे यहाँ पे अधिकृत किया गया था मतदान वगैरह चुनाव वगैरह कराने के लिए। सर, कैसी क्या प्रक्रिया रही आज इसमें? हमने पहले पूछे कि कितने उम्मीदवार यानी आज चुनाव लड़ना चाहते हैं स्थानापन सरपंच के लिए, तो 3 उम्मीदवार यहाँ पे तैयार हुए और तीनों उम्मीदवारों के बीच में हमने चुनाव की प्रक्रिया की है। गुप्त मतदान से उनका
चयन किए जिसमें अशोक सिहोरे, संतोष डहारे और त्रिलोक गंगूरे तीन उम्मीदवार थे। इनमें अशोक सिहोरे को 11 मत मिले, संतोष दहारे को 1 और त्रिलोक गंगूरे को 7। इस प्रकार अशोक सिहोरे जो है 11 मतों से विजयी रहे। हेलो, और यहाँ का निर्वाचन समाप्त हुआ। कितने बजे स्टार्ट किया गया था ये? 12 बजे। सर कितने दिनों का कार्यकाल रहेगा, कितने महीने का कार्यकाल? ये 6 महीने का। 6 महीने के बाद फिर शासन से उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, फिर उपचुनाव होगा। सर आपका परिचय बताया? अशोक सिहोरे, उसमें वार्ड नंबर 16। इसमें क्या है, पंच लोगों को मेरे पीछे लगाव था, इस वजह से मेरे को चुने हैं सरपंच के लिए। जो धारा 40 में सरपंच जो हटा था, उस बीच में मेरे को जो सरकार ने जो नियम बनाए थे उस नियम के अनुसार चुनाव हुआ, और चुनाव में पंच लोगों ने मेरे को चुने सरपंच पद के लिए। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, किस तरीके का कार्य? बिल्कुल पंच के हिसाब से काम होगा, और पंच के कहनों पे सब जो अपना ये बनता है, एजेंडा बनता है, उस एजेंडा से काम होगा। यही प्राथमिकता रहेगी कि सबको अपने को लेके चलना है पूरी पार्टी को, और पूरी पार्टी के हिसाब से काम होगा। गांव का विकास फर्स्ट नंबर रहेगा, और सब पब्लिक की 20 वार्डों में पूरा काम होगा। उप सरपंच अशोक शिवहरे के कार्यवाहक सरपंच का चुनाव जीतने पर विजयी जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। राजीव सागर परियोजना के तहत नहर निर्माण को लेकर करीब 200 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण को लेकर किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। भू अर्जन शाखा के द्वारा किसानों को चिन्हित कर संबंधित तहसीलदारों को सूची उपलब्ध तो करा दी गई है, लेकिन शामिल शरीक भूमि होने के कारण मुआवजा राशि वितरित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन लोगों को संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से नोटिस तक जारी किया जा चुका है, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। गुरुवार को दैतवरी के ग्रामीण कलेक्ट्रेट स्थित भू अर्जन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी। वहीं कटंगी विधायक केडी देशमुख को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। 1,116 रुपया तो नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पा रहा है? यही खातेदारों का तो बना देंगे कहते। तो वो सब लोग कहाँ है जिनके नाम जमीन? तब मैं कल जाऊंगी तिरोड़ी, तब सब इनको पता लगाऊंगी कहाँ है कहाँ। अच्छा, कब से पैसा नहीं मिल पाया आपको जमीन? अभी 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। तो यहाँ पर जब आप आए थे तो क्या जानकारी थी कर्मचारियों ने? इनको लाओ। नोटिस वोटिस दिए हैं क्या इनको, ऐसी जानकारी कुछ बताएं? अगर आप आज कर्मचारियों से मिले तो कर्मचारियों ने क्या कहा कि नोटिस भिजवा दिया, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं सर, नहीं बोला, मगर उनको बोला है कि नोटिस भेजो उनके लिए। अच्छा, अभी आप केडी देशमुख जी से मिले थे, उनसे क्या चर्चा हुई आपकी? वो भी बोल रहे हैं कि इनको लाओ खाते वालों को।
यानी यही समस्या आ रही है। हाँ, यही समस्या आ रही है। तो क्या लगता है अगर वो नहीं आएंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा? पैसा लेप्स हो जाएगा। पैसा लेप्स हो जाएगा, ये जानकारी किसने दी कि लेप्स हो जाएगा पैसा? जवाब नहीं मैं करो, उन्होंने अधिकारों ने भी नहीं। ग्रामीणों की समस्या के संबंध में विधायक श्री देशमुख ने कहा कि राजीव सागर परियोजना के तहत नहर निर्माण को लेकर ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसकी मुआवजा राशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन शामिल शरीक भूमि के कारण दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हमारे द्वारा ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखो भाई सुनो, ऐसा करो हो जाएगा काम। उनका पता है नागपुर कहाँ है, इनको थोड़ी मालूम नागपुर कहाँ रहते हैं, कौन से कोने में रहते हैं। नागपुर बहुत बड़ा है, उनका पता दे दो, उनका एड्रेस। मेरा एड्रेस मालूम नहीं है सर, कहाँ जाऊँ उनके गाँव में, बहुत बड़ी बस्ती। ये देश बाजार राजीव सागर के कमांड क्षेत्र में आने वाला गांव है। राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत ये सालेबड्डी का गांव है, सालेबड्डी ग्राम पंचायत का गांव है देश बाजार। देश बाजार में एक नया एक केनाल हमने स्वीकृत कराया था देश बाजार के, करीब करीब 200-250 एकड़ जमीन उस केनाल से सिंचित होगी, वो छूट गई थी। तो भू अर्जन के अंतर्गत लोगों को मौजा शासन ने उसकी स्वीकृत किया है। तो जिन लोगों के में कोई गड़बड़ नहीं थी पावती पट्टा में, उनको तो मिल गया, पर जिनकी पावती में शामिल शरीक भूमि है, वो शामिल शरीक लोग कमाने खाने के लिए बाहर चले गए हैं दैध भरा छोड़कर, कोई कहीं चले। उनको लगातार वोजन कार्यालय से उनको नोटिस तहसीलदार के माध्यम से जा चुके हैं, मगर फिर भी वो आ नहीं रहे। ऐसी प्रकरण ये कि यहाँ दैध भरा की एक महिला का आया, उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैं गया था, उसमें शामिल शरीक है और उनके साथी लोग, उनके रिश्तेदार लोग जो है नागपुर कमाने खाने कहीं पर चले गए। जैसे नोटिस दिए हैं, लेकिन नोटिस दिए काफ़ी वक्त हो गया, तो क्या ये हम प्रकरण यूँ ही लंबित रहेगा कि इसमें नहीं नहीं होगी? जितने राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत जिनकी जमीन भूमि अधिग्रहित की गई है, सभी को दिलाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। मुझे आज जानकारी मिली इस कार्यालय में आकर कि इनको, इन लोगों ने विवाद के कारण, झगड़े के कारण या यहाँ नहीं रहने के कारण उनको नहीं मिल पाई है, उनको दिया जाएगा, उनका हक है, उनकी जमीन गई है राजीव सागर। खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भौरगढ़ के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस पर जबरन परेशान किए जाने और बलवा की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में इंसाफ न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण झनकार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा 14 दिसंबर को बिजली समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें पुलिस आंदोलनकारियों के साथ साथ गांव के बुजुर्गों पर भी बलवा की धारा लगाकर उन्हें परेशान कर रही है, जबकि गांव के बुजुर्ग आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। जानकार सिंह खड़ा। अच्छा, क्या समस्या को लेके आया अभी एसपी ऑफिस में आप? ये जो पुलिस वालों द्वारा जो उसमें चकाजाम में जो लोग नहीं थे उनके भी नाम से मतलब वो FIR दर्ज कर रहे हैं। क्यों किया गया था चकाजाम, क्या था मामला? बिजली की समस्या को लेकर था। अच्छा, तो कितने तारीख को हुआ था चकाजाम? 14 तारीख को हुआ था। तभी पुलिस विभाग के द्वारा क्या कहे कि आप लोग को मामले में फंसाया जा रहा है? ये बाद में पुलिस के साथ में मुलाकात में हुआ था कि भाई कोई मतलब धाराएं नहीं लगेगी, सब शांत हो गया था माहौल, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों के नाम से अपराध दर्ज कर रहे हैं, ये 85 साल के बुजुर्ग हैं। लगभग कितने लोगों का नाम है इसमें? लगभग 35 लोगों का नाम। 35 लोगों का नाम है, तो क्या कहे कि मामला बना रही है पुलिस अभी? बलवा की धारा है। बलवा की धारा। क्या नाम आपका? जानकार सिंह। वही मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी अनिल उइके ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पुलिस बेगुनाह ग्रामीणों को परेशान करना बंद नहीं करेगी तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहां पर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर, जैसे बिजली की समस्या है, किसानों का की समस्या है कि पूरे क्षेत्र को, कटंगी क्षेत्र को, ग्राम को सूखाग्रस्त किया जाए, और भी गरीबी रेखा के कार्ड, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वहाँ ग्राम भोरगढ़ में आंदोलन किया जा रहा था,
तो उस आंदोलन में बहुत से लोग थे, लेकिन जो लोग थे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं थे, ऐसे बुजुर्ग लोग भी नहीं थे, पर वहाँ के जो TI है पुलिस प्रशासन के द्वारा एक फर्जी मामला बनाया जा रहा है, और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के वीरू भंडारकर है वो SC ST OBC के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और वहाँ जानबूझकर इनके नाम बताकर अपना राजनीतिक प्रभाव दिखा रहे हैं, जिसके चलते हम यहाँ। शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति दी जा रही है। इस वार्षिक उत्सव के पहले दिन गुरुवार को स्कूली छात्राओं द्वारा सलाद, मिष्ठान और फ्लावर डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने सभी कक्षाओं में अपने हुनर की उम्दा मिसाल पेश की। आयोजित इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्राचार्य SK खांडेकर ने बताया कि शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर वार्षिक उत्सव का समापन किया जाएगा। SK खांडेकर सर, जैसे कि आपके स्कूल में साले वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी जो बालिकाएं हैं विभिन्न विधाओं में जो है भाग लेती हैं, और जो प्रस्तुतियाँ जो अपन जो देख रहे हैं ये उन्हीं के मतलब निजी कौशल का मतलब प्रतिफल होता है, और ये अपने ही कौशल को प्रदर्शित करती है, और ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन की बात करें तो आज क्या क्या कार्यक्रम हुए और कल क्या क्या होंगे? आज जो कार्यक्रम जो हुआ है ये सलाद है, और जो स्वयं से तैयार की हुई जो मिष्ठान वगैरह जो होती है ना, उसका भी मतलब प्रतियोगिता के रूप में मतलब प्रस्तुतिकरण हुआ है। कल जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने। लालबर्रा के पास अल सुबह 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, इससे एक ट्रक नाले में जा घुसा। इस हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया। वारासिवनी जनपद पंचायत में 28 दिसंबर को एकात्म यात्रा के संबंध में संवाद बैठक का आयोजन किया गया। विधायक डॉ. योगेंद्र निर्मल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और यात्रा प्रभारी निरंजन बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में इस एकात्म यात्रा के दौरान दलगत भावना से दूर रहकर जगह जगह यात्रा का स्वागत किए जाने पर चर्चा हुई। ये शब्द का संबोधन ही ऐसा है कि एक करना। अब किसको एक करना? राष्ट्र को एक करना। क्योंकि जो हमारा भारत है ये कई जातियों में बटा है, कई भाषाओं में बटा है, लेकिन 8 वर्ष की उम्र में केरल से निकलकर शंकराचार्य मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आए, वहां उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली और वहीं तपस्या की, और फिर वहीं से ये निर्णय किया कि मैं भारत की चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा। और सब जगह उन्होंने शंकराचार्य के मत स्थापित किए। आज भी वो मठ और शंकराचार्य, उनका अपना एक महत्व है इस देश में। देखिए एक बात सबसे बड़ी चलती है कि विश्व का एक पूरे भारत
अपने जीवन काल में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, अखंड भारत। जब अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सारा पाकिस्तान सब यही हुआ करता था, श्रीलंका, उन्होंने पूरी यात्रा की। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान रामचंद्र जी ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, श्री कृष्ण जी ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ा, पर शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं को जोड़ा, चारों दिशाओं में उन्होंने मठों की स्थापना की और एक एकात्मवाद का सिद्धांत दिया। धर्म, जाति, समाज, रंग, भेद इन हटकर एक देश में एकात्म वातावरण बनाने के लिए उन्होंने यात्रा की। विगत 9 फरवरी को ओंकारेश्वर में सम्मानी हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने उनका प्रकटोत्सव मनाया और वहां उन्होंने घोषणा की थी कि आदि शंकराचार्य जी की ओंकारेश्वर में 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसी अष्टधातु की प्रतिमा के लिए पूरे प्रदेश से धातु संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। पिछली तारीख को वाराणसी की यात्रा पहुंचने कलकत्ता के रोड ठीक नहीं होने के कारण हमने निशाचित की है और हमारी भावनाओं में हमारे उत्साह में कमी नहीं आई। यात्रा का रूट चेक किया गया, यात्रा रेखाडोला, आलेजरी, पाली, द्वारा होते वाराणसी में आएगी और हमारी परंपरा रहेगी, हमारे संस्कार रहे कि साधु संतों का हमें सबने सम्मान किया है। वाकई वाराणसी शहर में भी डिले कार्य होने वाला है, सम्मान होगा साधु संतों का। नगर पालिका जो भी काम दायित्व दिया जाएगा कहीं भी साधु संतों के सम्मान पे हमारे वाराणसी के क्षेत्र में और शहर में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात को पूरा ख्याल रखिए। रही बात चूंकि कार्यक्रम एकात्म यात्रा है, शंकराचार्य जी के सम्मान में है, तो हमारे समागम में 4 मठ हैं और चारों शंकराचार्य को भगवान की तरह माना जाता है। वारासिवनी के साई लॉन में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश से पधारे प्रदीप कृष्ण शास्त्री जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुमने चतुर्थ अवस्था तक प्रतीक्षा की है तो 4 रूप में भगवान तुम्हारे दिया। जो कभी ना बैठा हो, कई लोग कहते हैं महाराज कथा समिति होती है, फिर बताया भैया बोले 3 घंटा नहीं बैठ सकते तो 2 घंटे बैठ। हाँ, 1 घड़ी, आधी घड़ी, लेकिन तू जितनी देर बैठ, जितनी देर कार्य कर, हाँ भक्ति का कार्य पूरा मन लगा के देखा है तो देखता हूँ। हाँ, दूध वाला अब हाथ में आरती है और दूध वाला पहुँच गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बहुत सुंदर महाराज अभी ज्ञात और पुरंजन का श्री नारद जी ने बात बताई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना आजकल तो का ऐसा खान पान है कि छोटे छोटे बच्चों को कोई हो जाते हैं। ये पहली सूचना है, लेकिन ये जीव कहां मानने वाला महाराज, बिल्कुल नहीं मानता। ये तो ऐसा ऐसा अब आजकल ऐसा आ गया है, कई तरह के पाउडर आ गए, कई तरह की मेहंदी आ गई, कई तरह की डाई आ गई, उसको लगा करके भगवान को भी झुटलाना चाहता है। हाँ, कि तुम झूठे हो, हम असली हैं, हम भजन तो नहीं करेंगे। हाँ, श्री दशरथ जी महाराज के श्रवण समीप कान के विलक्षण महिला मंडल के तत्वाधान में नगर के वार्ड नंबर 33 मोतीनगर में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस धार्मिक आयोजन के तहत गुरुवार को ब्रज रसिकाचार्य मुकेश महाराज के द्वारा भागवत कथा का मनमोहक वर्णन किया गया। भागवत कथा का समापन 2 जनवरी को विविध धार्मिक आयोजन के साथ किया जाएगा। भगवान ने कहा है, मोर भक्त जो
निंदा करही ठाकुरा मोर भक्त जो निंदा करही तीन मास तीन पक्ष मा दनंदन देऊ तो पुनः सुदर्शन चक्र हाथ न ले जो मेरे भक्त की निंदा करे उसकी आलोचना करे तो तीन मास तीन महीना तीन पक्ष तीन पगवा तीन मास तीन पक्ष तीन वर्ष मा दनंदन देऊ तो पुनः सुदर्शन चक्र हाथ न लेऊ भगवान का भक्त प्यारे जैसा भी हो वो भगवान का भजन कर रहा है। 25 तारीख से भागवत कथा चालू हुई है। 25 तारीख को कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा निकली है जिसमें सारे लोग कलश लेके सब सुहागिन बहने इसको अपना सुख समृद्धि सोचकर ये हमने भ्रमण किया है। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं? ये कार्यक्रम ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कथा ये कथा केवल कथा नहीं है, ये कथा जीवन की व्यथा को बदलती है और जीवन की व्यथा को बदलने के लिए केवल संत ही आते हैं। हम मंदिर जाते मस्जिद जाते सब जगह आते लेकिन भगवान वहाँ से उठ के नहीं बोलते, केवल अगर बोलते हैं तो संत ही बोलते हैं और वो संत हैं हमारे मुकेश जी महाराज और केवल प्रेम ही प्रेम दर्शाते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा नगर समापन कब होगा? 2 तारीख का समापन। क्या क्या कार्यक्रम होंगे 2 तारीख? समापन के दिन 5 कुंडी यज्ञ का समापन है, पूर्णाहुति है और भारतीय जैन संगठना के द्वारा 21वीं सदी की सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए युवतियों का सक्षमीकरण को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को समापन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन बिलासपुर के प्रशिक्षक डॉक्टर रितेश जैन के द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं छात्राओं के अभिभावकों को भी अपनी बच्चियों से समन्वय बनाने के गुण सिखाए गए। ये हमारा बैकग्राउंड है, इस टाइप की बात है, हम भी प्रॉब्लम तो उनको भी वो हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन दे या एटलीस्ट वो समझेंगे तो कि हमारे पेरेंट्स के साथ क्या चल रहा है। योर फेलोअर्स, हमारे फेलोअर्स क्या है, है ना? कई बार क्या होता है कि हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा करते हैं कि हमारा बच्चा इसमें बहुत अच्छा करे, उसमें बहुत अच्छा करे, 10वीं में 90% लाए, 12वीं में इतने परसेंट लाए। कई बार हम कंपेयर करेंगे। हम कार्यक्रम के संबंध में भारतीय जैन संगठना के नगर अध्यक्ष संकेत सोराना के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये भारतीय जैन संगठना बालाघाट द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें युवतियों का सक्षमीकरण का कार्यक्रम 27 और 28 तारीख 2 दिन का किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता है। इसमें 1.5 घंटे के 6 सेशन होते हैं जिसमें लड़कियाँ भाग लेती है, फिर लड़कियों के माता पिता दोनों साथ में बैठ के अपना कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। समाज में बढ़ती हुई परेशानियों से बचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें लड़कियों को जो परेशानी आती है उससे कैसे अपने आप को बचाए उस चीज़ के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें 40 से 45 लड़कियों ने इसमें भाग लिया है, इसके पेरेंट्स भी अभी आए हैं। पेरेंट्स और लड़कियों के बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो अपनी बच्चियाँ जो है अपने माता पिताओं से जो बातें छुपाती है उसको कैसे अपने माता पिताओं को बताना है इस चीज़ के लिए कार्यक्रम किया। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के प्रयासों से नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित आनंद महोत्सव लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिलेवासी इस मेले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जगमगाती रोशनी में आयोजित इस मेले में आकर्षक झूलों का रोमांच और विभिन्न राज्यों से लगाए गए स्टॉल लोगों को खूब लुभा रहे हैं। गुरुवार को राजन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई जिसे सुनकर दर्शक रोमांचित हो उठे। म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा सदाबहार नगमों को इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पेश किया गया। Thank you.
वहीं इस कार्यक्रम में सीएसपी मोनिका तिवारी, वारा सिवनी की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल सहित वरिष्ठ गणमान्य नागरिक पहुंचे, जिनका रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएसपी मोनिका तिवारी ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का यह आयोजन काफी सराहनीय है, जिसके लिए मैं बालाघाट रोटरी क्लब का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम आगामी निकट भविष्य में भी आयोजित करें। जिस तरीके से यहाँ की प्रतिभाओं को, लोगों को, अन्य जो प्रतिष्ठानों को मार्गदर्शन मिले, प्रोत्साहन मिले। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति संगठन ने एक युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाकर की जमकर पिटाई। बिरसा क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर की घटना, पीड़ित परिवार ने की पुलिस प्रशासन से शिकायत। कोतवाली पुलिस ने निकाला शातिर अपराधी का जुलूस, जनता के मन से इस अपराधी का डर खत्म करने उठाया कदम। समारोह पूर्वक मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। अशोक शिवहरे बने कोसनी के कार्यवाहक सरपंच। राजीव गांधी सागर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण की अधिग्रहित भूमि स्वामियों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा। भूमि शामिल शरीक की उपस्थिति न होने से मुआवजा देने में आ रही दिक्कतें। नोटिस दिए जाने के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। भारतीय जैन संगठन के नेतृत्व में स्कूली छात्रों को दिया गया 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण। युवती सक्षमीकरण को लेकर प्रशिक्षकों ने किया प्रशिक्षित। और रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का आनंद महोत्सव स्थापित कर रहा नए कीर्तिमान। मेले में उमड़ रहा जन सैलाब, सांस्कृतिक कार्यक्रम बने प्रमुख आकर्षण का केंद्र। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।